औरंगाबादच्या सिडको पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत एका पत्रकारावर पोलिसांनी अमानुषपणे मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. औरंगाबाद पोलीस ठाणे एमआयडीसी सिडको हद्दीत एका पत्रकाराला रात्री 3 पोलीस सिपाई यांनी मारहाण करून आतापर्यंत पोलीस ठाण्यात नोंद घेण्यासाठी टाळाटाळ देखील केली आहे. ही धक्कादायक माहिती समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. ब्युरो रिपोर्ट मराठा ते औरंगाबाद. सैयद नासिर सैफुद्दीन. क्या हुआ था कल रात में? जो है मैं 9 बजे के टाइम पे जो है प्रोजोन मॉल के सामने खड़ा था. वहाँ गए बाद जी मैं मेरी बाइक लेके वहाँ पे रुका था और उसी वक्त 3 पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने मुझे गाड़ी आगे लेने के लिए कहा. मैंने कहा कि मैं ले रहा हूँ साहब, ज़रा 2 मिनट रुक जाइए. तो वो और थोड़ा बहुत बोलने लगे, अरे तुरे किए मेरे साथ उन्होंने काफ़ी. तो मैं उनको बोला कि सर आप ऐसी बात नहीं कर सकते, मेरा नाम पूछे तो मैंने सैयद बोला. उसके बाद उन्होंने सीधा लांड्या माजलत का करके सीधे से मेरे को मारना चालू करे गाड़ी पे बैठे बैठे, और इस कदर भी मारे कि मेरे हाथ पे मुंह पे, मैं गाड़ी पे ही बैठा रहा और मेरे को मारते रहे 1.5 से 2 मिनट तक. नाम पूछ के मतलब मारा कि नाम पूछ के मारा. वो उनको बेहतर मालूम है उन्होंने क्या किया. इवन मारे बाद भी जो है मैं जब उनको पता, मेरे गले में से प्रेस का कार्ड निकाल लिए पहले, उनको बोला भी मैं पत्रकार हूँ, वो देखने के बावजूद भी मुझे मारा गया वहाँ पे. कार्ड देखने के बाद क्या बोले आपको? कार्ड देखने के बाद बोले हे ऐसे ये जो पत्रकार है ऐसे, या हमारे पास कई आए कई गए, उसमें से एक साहब थे उन्होंने तो खुद के बाल दिखा दिए मेरे को सर पे के, कि 32 साल हो गए मेरी सर्विस को, तेरे ऐसे कई आए कई पत्रकारों को सीधा कर दिए, तू पत्रकार का कार्ड बता के हमको टाइट मार रहा है क्या? जबकि मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं 9 बजे वहाँ खड़ा था और मेरे को किस बिना पे मारपीट कर रहे उन्होंने, जबकि उनका काम नहीं था मारपीट करना मेरे साथ. क्या काम आ रहा आपको? उन्होंने मेरे मुंह पे काफी सारी जगह पे मारे थे, साथ ही साथ जो है मेरे पैर पे भी बहुत मारा है, लातों से मारा है मुझे, मेरे ये पैर पे मुझे मार लगा है यहाँ पे. मेरा चश्मा तोड़ दिया वो लोगों ने झटापटी के अंदर. उसके अलावा जो है मेरा कार्ड तो ले लिए थे, साथ ही साथ मेरा पर्स छीन के आधार कार्ड भी ले लिए मेरा, उसके फोटोज मारे, 353 की धमकी डाली मेरे को बार बार. मैं उनको 2 बार सॉरी भी बोला, 2 से 3 बार, फिर भी मान नहीं रहे थे. प्रोजोन एरिया काई के लिए गए थे आप वहाँ? मैं वहाँ पे जो है 31 दिसंबर के तहत जो है न्यूज़ कवर करने के लिए गया था. तो उस अभी आप पुलिस चौकी में हैं तो क्या कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए अभी तो मुझे मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और उसके आगे उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे करके, अभी उनकी भी बात सुनेंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे. लेकिन मैं मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि एक पत्रकार के ऊपर या एक पत्रकार सुरक्षा कायदे अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. और मुझे जानबूझ के जिस तरीके से मारा, जबकि मेरी गलती नहीं है, आप मुझे गलती बताओ लगा तो आप मेरा प्रेस कार्ड जब्त कर सकते थे, मुझे स्टेशन में जमा कर सकते थे, लेकिन आपने वही कानून हाथ में लिया और जब लोग जमा हो रहे थे वहाँ पे तो आप बोलते हो कि पीए वाला है. और मैंने उनको बोला भी कि मैं पिया नहीं हूँ, तुम्हारे पास अगर कोई यंत्र है तो वो लाओ मेरा टेस्ट करवाओ, उसके बावजूद भी नहीं माने वो लोग. तो मुझे बताइए अभी मेरा गलती कहाँ पे आप लोग? तो अभी अगर ये कुछ कार्रवाई करते नहीं है या डीला करते हैं तो सब लोग क्या करेंगे? अभी तो देखिए अभी जो है मेरे साथ काफी सारे पत्रकार बंधु जमे वाले हैं, वही लोग आगे बोलेंगे.